हेलो बच्चों, आज मैं आपको ट्यूलिप बनाना सिखाऊंगी। ट्यूलिप तो आपने शायद पहले भी बनाया होगा, लेकिन आज हम दो कलर, दो रंगों को मिलाकर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पेपर चाहिए कि मेरे पास से स्क्वायर पेपर्स आपके पास होंगे, ऐसे पेपर्स ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये A4 साइज़ के पेपर है, इससे मैं आपको स्क्वायर बनाना सिखा रही हूँ। इस तरह से आप स्क्वायर में फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे स्केल रखकर काट सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ऐसे स्क्वायर पेपर मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे हम चार भागों में बांटेंगे क्योंकि हमें छोटे छोटे ट्यूलिप्स बनाने हैं। इस तरह के बाद हम इसे स्केल की मदद से कट कर देंगे और चार छोटे छोटे पीसेस करेंगे। आप कोई भी साइज ले सकते हैं, जितना बड़ा आपको बनाना है। ये मैंने आपको स्क्वायर बनाना सिखाया। अगर आपके पास कलर पेपर नहीं है तो आप प्लेन पेपर को कलर करके बना सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक और, मेरे पास इस तरह के कलरफुल पेपर हैं तो मैं इसे स्क्वायर बनाऊंगी इसके, तो इस तरह से छोटा बनाऊंगी और जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर दूंगी इस तरह। अभी हम आज हम दो कलर के यूज़ करने, दो कलर बनाने वाले हैं, दो कलर की ट्यूलिप। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा छोटा, ये बड़ा है और इससे थोड़ा छोटा एक और स्ट्रिप्स लेके उसके भी स्क्वायर बनाएंगे इस तरह, और इसे कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पेपर के ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे, थोड़ा ग्लू लगाएंगे। और इसे इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस तरह। तो ये पेपर रेडी हो गया। दो इस तरह से मैं जितने भी बनाने हम पेपर रेडी कर सकते हैं अलग अलग कलर के। अब हम ट्यूलिप बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेपर को ऐसे ट्रायंगल फोल्ड करेंगे अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे। अब देखेंगे बीच में एक लाइन बन गई है, ये देखो निशान। तो हम उससे थोड़ा बाहर इधर एक फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी फोल्ड करेंगे इस तरह। देखा आपने, हमारे दो कलर के ट्यूलिप फ्लावर इस तरह से हम बना सकते हैं। और हम पीछे फोल्ड करके थोड़ा सा कॉर्नर भी फोल्ड कर दे सकते हैं इस तरह। तो इस तरह से भी हमारा और भी ब्यूटीफुल ट्यूलिप बन जाएगा। तो ये था हमारा ट्यूलिप फ्लावर। हमें जितने चाहिए उतने हम रेडी करके रखेंगे। अभी मैं लीफ भी वैसे ही बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर का पेपर लिया, पहले मैं स्क्वायर बनाऊंगी इस तरह, इसे कट कर लेंगे और इससे थोड़ा छोटा स्क्वायर सा छोटा है इसे भी लेंगे, इसके भी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे स्क्वायर और स्केल से कट कर देंगे। इसमें ग्लू लगाकर इस पेपर को इसके ऊपर चिपका इस तरह।
अब हम क्या करेंगे इसे, इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसी तरह यहाँ से भी करेंगे। इसके बाद अभी ऊपर की तरफ से भी फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह। इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करके लीफ तैयार कर सकते हैं। एक ऐसे मेरे पास एक स्टिक ऐसी ये ले ली मैंने, आप झाड़ू के तिनका या स्ट्रॉ जो भी हो आप उससे ले सकते हैं। फिर हम इसे यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे छोटा सा कट लगाऊँगी, और यहाँ पे जब कट हो गया तो यहाँ पे एक होल हो जाता है। इस होल में हम इस तरह इस होल में हम इसे स्टिक को डाल सकते हैं इस तरह, इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, और इसे भी यहाँ पे चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारा ट्यूलिप फ्लावर, अगर हम कट करके लगाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन आज हम फोल्ड का सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम ट्यूलिप फ्लावर बहुत सारे बना सकते हैं और इसे अरेंज करके हम रख सकते हैं। आप सब ज़रूर कोशिश कीजिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमने ट्यूलिप्स बनाए उसे हम मैं कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये हम यहाँ साइड में लगाएंगे, और ये जो छोटे छोटे बनाए हमने उसे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ग्लू लगाएंगे और चिपका देंगे। मेरे यहाँ पे माचिस की तिलियाँ थी छोटी छोटी, उस लिए हैं, और उसे यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगाकर चिपका देंगे। यहाँ पे भी इस तरह से इसे, ये मेरे पास बर्ड थे से मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया और इसके ऊपर अरेंज कर दिया। इसे भी हम यहाँ लेंगे और यहाँ बीच में लगा सकते हैं, और इस तरह से इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। इस तरह से ये अरेंज हो जाता है, और यहाँ पे हम हैप्पी बर्थडे या किसी को विश करना है न्यू ईयर हो हैप्पी होली, तो हम इस तरह से बना के दे सकते हैं। और ये मेरे पास पेपर के थे, मैंने ये कट कर लिए। इसके लिए मैं लीव्स बना सकती हूँ इससे। इसे भी हम पेस्ट कर देंगे, ग्लू लगा के चिपका देंगे। इस तरह यहाँ पे हम ग्लू लगाते जाएंगे और चिपका देंगे। हमारे गार्डन में बहुत सारे स्टिक होते हैं, पेड़ों की डंडियाँ सूख जाती है, उसे भी हम कलर करके इस तरह से लगा सकते हैं।
अभी मैं दिखा रही हूँ, जो एक बार ग्लू लगा देंगे तो वो अच्छे से चिपक जाएगा। इस तरह से हम ये ट्यूलिप को डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। और ऐसे रेडीमेड्स भी मिलते हैं मेटल्स के, वो भी आप कहीं पे उसे अरेंज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इस तरह से मिक्सर मैच करके आप पूरे क्राफ्ट कार्ड बना सकते हैं। तो ये था हमारा ट्यूलिप फ्लावर्स।